हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर आरआर कुकिंग चैनल। तो देखिए, हमेशा की तरह आज भी कुछ अलग सी रेसिपी लेके आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो आज हम रेसिपी में बनाएंगे चॉकलेट कपकेक। इसे देखते ही आपकी खाने की इच्छा हो रही होगी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए आप यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि ये केक सिर्फ 10 मिनट में हम बनाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस में हमें इस तरह का कप यूज़ करना है, यानी हम रेगुलर जो चाय के लिए यूज़ करते हैं वही कप हमें चाहिए, जो इजीली आपके घर में अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले यहाँ मैंने बड़ा सा कुकर लिया है। कुकर को हम प्री हीट कर लेंगे, क्योंकि जो भी प्रोसेस हम करने वाले हैं वो हम कुकर में करने वाले हैं। तो यहाँ हमने स्टैंड रख दिया, उसके ऊपर हम इस तरह की प्लेट रख देंगे। फिर हमें ये कुकर बंद कर देना है, सीटी निकाल के और रिंग निकाल के। इस तरह से कुकर को अच्छे से क्लोज़ कीजिए। फिर बाद में हम यहाँ ये प्री हीट होगा तब तक हम हमारी अगली प्रोसेस करेंगे। यानी यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में हम पहले दही लेंगे। दही एकदम फ्रेश चाहिए, जो मैंने मेज़रमेंट कप से लिया है, और ये 60 ml का कप करीबन आधा लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम जो भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसका मेज़रमेंट आपको ध्यान रखना है, ताकि जो भी बने एकदम परफेक्ट बने। यहाँ मैंने शुगर 120 ml का कप मैंने 3/4 पोर्शन लिया है, तो ये आप ध्यान रखते हुए ऐड करते जाइए वन बाय वन। फिर बाद में यहाँ हमें ऑयल ऐड करना है, क्योंकि ऑयल से क्या होता है, जो केक का टेक्सचर होता है एकदम स्पॉन्जनेस आ जाता है और टेस्ट में भी एकदम सॉफ्ट लगता है। तो यहाँ मैं 2 चम्मच ऑयल डाल दूँगी। अच्छे से ऑयल डालने के बाद ये हमें थोड़ा मिक्स करते जाना है। तो मिक्स करने के लिए यहाँ हमें 100 ml करीबन दूध लगेगा। दूध हम वन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो चलो यहाँ हम मिक्स करते जाएंगे। ये जो मिक्स करने की प्रोसेस है, ये हमें कंटिन्यूस 3 मिनट तक चलानी है। तो करते जाइए मिक्स, ताकि कोई गुठली इसमें ना रहे। इस तरह से पूरा मैंने मिक्स कर लिया है। फिर बाद में हम यहाँ छन्नी रख देंगे। छन्नी में हमें यहाँ गेहूं का आटा यूज़ करना है। यहाँ मैंने मैदा नहीं यूज़ किया है। जो 240 ml का कप होता है वो करीबन आधा मैंने लिया है, और ये मैंने छन्नी में पहले डाल दिया है, क्योंकि मैदे से ज़्यादा तो हेल्थ के हिसाब से हम देखें तो आटा बहुत बढ़िया होता है। फिर बाद में हम कोको पाउडर यूज़ करेंगे, जो कि मैंने मेज़रमेंट कप से आपको बता दी है। फिर खाने का सोडा 1 चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। इस तरह से हम वन बाय वन सब इंग्रेडिएंट्स इसमें छन्नी में डाल देंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। फ्रेंड्स, आपके जानकारी के लिए ये बता दूँ कि हम ये केक गैस पर बेक कर रहे हैं, इसलिए इसे 10 मिनट लगेंगे। अगर आपके पास ओवन अवेलेबल है तो ये सिर्फ 2 मिनट में बन जाता है। तो चलो, ये भी हमारा अच्छे से मैंने पूरा छान लिया है। इस तरह से ये एकदम रेडी हो चुका है। ये जो ऊपर का पार्टिकल है हमें फेंक देंगे। फिर नीचे ये जो पाउडर है रह गया है, इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। साइड बाय साइड जो कॉर्नर का है वो भी निकालते जाएंगे। मिक्स करते समय हमें दूध की आवश्यकता लगी तो आप इसे ऐड करते जाइए, क्योंकि हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए हमें दूध थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, एकदम से नहीं डालना है। तो इसे हम मिक्स करते जाएंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि हमें टोटली कितना दूध इसमें लगता है। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर रही हूँ, साइड बाय साइड चलाते जा रही हूँ। वन बाय वन इंग्रेडिएंट्स भी हम यहाँ और ऐड करेंगे, ताकि जो हम केक बनाने वाले हैं इसमें एकदम परफेक्ट सा टेक्सचर आ जाए। तो यहाँ चलाते रहिए, 3 मिनट तक चलाते रहना है, इसमें कोई बबल्स ना रहे, ये आप ध्यान रखें। साइड बाय साइड निकालते जाइए, और ये बबल्स के लिए मैंने एक बार और टैप कर लिया है। आप भी इस तरह से टैप करके बबल्स निकालते जाइए। देखिए, कंसिस्टेंसी यहाँ इस तरह की है। बैटर हमें इसी प्रकार के कंसिस्टेंसी से बनाना है। तो ये बैटर हमारा एकदम प्रिपेयर हो चुका है। फिर यहाँ हम इसेंस डाल देंगे, जो कि मैंने 1 चम्मच पूरा यूज़ किया है। यहाँ इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसेंस मैंने यहाँ वैनिला यूज़ किया है, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर में यही बढ़िया लगता है। उसके बाद नींबू का रस 1 चम्मच, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। नींबू का रस हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो भी इसका टेक्सचर तो अच्छा बढ़िया बन ही जाए, लेकिन जो स्पॉन्जनेस और एकदम बढ़िया सा
जालीदार बनता है वो सिर्फ नींबू के रस से ही बनेगा। तो देखिए यहाँ कंसिस्टेंसी मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो ये कप मैंने यहाँ थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लिए हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है एकदम ऑप्शनल है, क्योंकि हम तो केक कप केक यानी ज़्यादातर डायरेक्टली ही खाते हैं, निकालने के कोई झंझट रखते नहीं हैं, इसलिए ये आप पर डिपेंड है। तो चलो कप में हम ये बैटर डाल देते हैं इस तरह से। 2 चम्मच यहाँ परफेक्ट बैठ जाएगा, पूरा कप हमें नहीं भरना है, क्योंकि ये कप केक जो है वो एकदम फूल जाता है। इस तरफ कुकर भी प्रीहीट हो चुका है, ये जो प्लेट थोड़ी बाजू हो चुकी है इसे अच्छे से रख देंगे हम। फिर ये कप 1 बाय 1 हम रख देंगे। फ्रेंड्स आपको बता दूँ, जो बैटर मैंने बनाया था उसमें मैंने 5 कप भर लिए हैं, लेकिन कुकर में सिर्फ 3 ही बैठे हैं, बाकी के मैं कढ़ाई में रख दूंगी इसी प्रकार स्टैंड रखकर। तो चलो ये कुकर अब मैं क्लोज़ कर देती हूँ। अब क्लोज़ करने के बाद करीबन 10 मिनट में हमारा केक एकदम बढ़िया से रेडी हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद हम अगर देखेंगे तो देखिए कितना बढ़िया से ये फूल चुका है, और ये गर्म होने के कारण इसे हम थोड़ा बाहर निकाल लेंगे और सावधानी से निकालेंगे। इस तरह से मैंने बाहर निकाल लिए हैं, और आप देखेंगे अगर तो ये 5 कपकेक एकदम बढ़िया से फूल कर, देखिए टेक्सचर भी अगर देखेंगे हम तो एकदम स्पॉन्जी जालीदार बन चुका है, और स्वाद आप इसे टेस्ट करने के बाद ही समझ सकते हैं, इसलिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ मैं आगे आपको बता दूँ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, देखिए ये थोड़ा ऊपर से निकल चुका था, तो आपको बता दूँ एकदम बढ़िया जालीदार ये बन चुका है, जिससे मैं बाद में थोड़ा चम्मच से निकाल कर भी मैं आपको बता दूँगी। ये हो गए केक, अब इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ ये बड़ी वाली जो चेरी होती है वो यूज़ करूँगी, ये इसे इस तरह से रख दूँगी, क्योंकि ये जो कप है मेरे पास वो एकदम स्माइली के बढ़िया से है, उस पर अगर हम ये चेरी लगा लेंगे तो और भी ये खिल उठेंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह आज भी आपसे ज़रूर पूछूंगी कैसी लगी मेरी रेसिपी, ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होगी उसके नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Please subscribe RR Cooking and press the bell icon for notification of new videos. Thank you.